भदोही और आए से निहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। बैंक लूटने आए हथियारबंद बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस की सक्रियता काम आए, लुटने से बची बैंक। लुटेरों ने बैंक शाखा कर्मियों को बना लिया था बंधक। बंधक बनाकर बदमाशों ने तोड़ दिया था कैश का ताला। पुलिस के आने के पहले 40,000 रुपए लूट भी लिए थे। आसपास के लोगों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों बदमाशों को दबोच लिया। भदोही लोगों की जागरूकता और पुलिस की सक्रियता ने गुरुवार को भदोही में बैंक लूट की बड़ी वारदात को बचा लिया। बैंक लूटने के इरादे से परिसर में दाखिल हुए लुटेरों ने जैसे ही बैंक कर्मियों को बंधक बनाया, वैसे ही बैंक में मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक के अंदर वारदात को अंजाम दे रहे लुटेरों को घेराबंदी करके पकड़ लिया। पुलिस दोनों बदमाशों पूछताछ कर रही है। घटना गुरुवार को थाना औराई के कस्बा महाराजगंज स्थित फाइनेंस बैंक शाखा के अंदर की है। सुबह 10:30 पर थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत कस्बा महाराजगंज बाजार में स्थित भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की कंपनी खुली हुई थी, जिसमें मैनेजर व कैशियर दो लोग मौजूद थे। दो हथियार बंद लुटेरों राजकुमार मनोज कुमार निवासी बरेनी बसकापुरा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर द्वारा बैंक शाखा को लूटने की नियत से शाखा कर्मियों को बंधक बना लिया गया। असलहे के बल पर शाखा प्रबंधक से 40,000 रुपए लूट कर अपने कब्जे में ले लिए तथा कैश लाकर का ताला तोड़कर और पैसे लूटने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय जनता द्वारा सूझबूझ पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए थाना औराई को सूचना दी गई। प्रभारी निरीक्षक औराई द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत व घेराबंदी कर बैंक के अंदर से दोनों बंधकों को छुड़ाकर दोनों हथियारबंद लुटेरों को मैं सुलही के साथ गिरफ्तार किया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार भी घटनास्थल पहुंच गए। पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। आज सुबह पुलिस को सूचना दी गई महाराजगंज कस्बा थाना बुराई में कुछ लुटेरों ने बैंक के जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उसके कर्मचारियों को बंधक बना लिया है और असली के दम पे बंधक बना लिया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और पहुँच के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ से जो बैंक कर्मी थे उनको सुरक्षित निकाला और जो लुटेरे थे उनको थंडरबोल्ट उसमें दो लुटेरे पकड़ में आए जो थाना कछवा मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से दो असले बरामद हुए संबंध में जांच। इस तरीके से बताया जा रहा है कि एक असला उसमें नकली है, एक असली है, तो इस तरह के मस्तक निकले हैं। अभी तक की जो जांच है उसमें एक नकली मंगी हो रहा है और दूसरे वाला जो है वो असली है उसके साथ गिरफ्तार। सर कुछ कैश भी इन लोगों ने वहाँ से अपने कब्जे में ले लिया था। हाँ, कैश इन्होंने लगभग 40,000 के आसपास कर्मचारियों ने जो बैंक कर्मचारी 40,000 के आसपास कैश इन्होंने इतना कैश रहा होगा अभी पता लगा होगा 40,000 के आसपास कैश इन्होंने फाइनेंस कंपनी में कुल कैश कितना था इन्होंने कुछ बताया चेस्ट में? ये अभी जाँच का विषय है, जाँच के बाद। सर कैसे ये लोग पकड़े गए? ये बात आ रही थी कि कुछ लोग वहाँ लोकल थे जिन्होंने बाहर से दरवाजे बंद कर दिया था जब बदमाश अंदर थे। इसमें जो बैंक कर्मी हैं उन्होंने भी सूझबूझ से परिचय दिया और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी पुलिस को सूचना देने से लेके और पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले और उसके बाद भी उन्होंने समझदारी दिखाई और पुलिस का सहयोग किया और जो पुलिसकर्मी मौके पे पहुँचे थे उन्होंने अंदर घुस किए और बाकी का परिचय किया और नकल बैंक कर्मचारी सर नकली जो बंदूक है वो किस चीज़ की बनी हुई है? क्या प्लास्टिक खिलौने वाली है या किसी और तरीके? जो अभी उसकी जांच करी जा रही है।